हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्मड़ व पालड़ी से पैदल संघ माउंट आबू रवाना, पोसालिया। माउंट आबू के अचलगढ़ स्थित माँ चामुंडा के दर्शनार्थ हेतु उत्मड़ व पालड़ी एम से मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में परमार वंश के लोगों का जत्था रवाना हुआ। परमार वंश के जगदीश कुमावत उत्मड़ ने बताया कि पैदल संघ मंगलवार को सुबह 4 बजे उत्मेश्वर महादेव, खेड़ा देवी, चामुंडा माता व उत्मड़ गांव की परिक्रमा कर रवाना किया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जत्थे का भव्य स्वागत किया। पैदल जत्था सुबह 5 बजे पालड़ी एम पहुंचा, जहां से सैकड़ों की तादाद में मां के भक्तगण जत्थे में शामिल हुए। मां के जयकारों के साथ जत्था पालड़ी एम से रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह संघ का स्वागत किया गया। रात्रि विश्राम सिंधरत खेतला जी कर भजन संध्या का भरपूर आनंद लिया गया। बुधवार सवेरे 5 बजे जत्था पुनः आबू के लिए रवाना हुआ। मंचाराम पालड़ी एम ने बताया कि संघ गुरुवार को सुबह 6 बजे नवरात्रि स्थापना को आबू पहुंचेगा। आबू पहुंचने के उपरांत जत्था सर्वप्रथम आबू स्थित शक्तिपीठ मां अबरुदा देवी के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाकर अपने गंतव्य स्थान अचलगढ़ के लिए रवाना होगा। जत्था इतिहास प्रसिद्ध अचलगढ़ स्थित मां चामुंडा के दरबार पहुंचेगा। कार्यक्रम प्रभारी कुमावत ने बताया कि भक्तगण मां के दरबार में भव्य कार्यक्रम एवं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जितेंद्र कुमार, भैरा राम, बाबूलाल, प्रवीण, वागा राम, जयंती लाल, हिम्मत, मुकेश, दिनेश व रसोड़ेदार भलाराम आदि का सहयोग रहा। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।